कोरोना की दूसरी लहर अभी ठीक तरह से थमी ही नहीं थी कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है और देश भर के कई राज्यों जैसे कि तमिलनाडु महाराष्ट्र से इस वेरिएंट के मामले आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डेल्टा प्लस के मामले देश भर में सामने आने लगे हैं और हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या है डेल्टा प्लस के लक्षण और किस तरह से आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। सीने में दर्द होना, बुखार, खांसी, पैरों की उंगलियों का रंग बदलना और जिस तरह से आमतौर पर कोरोना वायरस में स्मेल चली जाती है, खाने की चीज़ों से स्वाद आना बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह से इस वेरिएंट के लक्षण भी यही है। और आप इससे किस तरह से बच सकते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले आप डबल मास्क जरूर लगाएं और अपने साथ सैनिटाइजर रखें। इसके अलावा इस वेरिएंट से जुड़ी एक बेहद ही खतरनाक बात यह है कि ये आपके फेफड़ों पर सबसे ज्यादा बुरा असर डालता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये आपके फेफड़ों को कमजोर कर देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी काफी हद तक कम कर देता है। ऐसे में आप किस तरह से बच सकते हैं इससे और किस तरह से अपने फेफड़ों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसे में आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करनी होंगी जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे और आपके फेफड़ों के लिए अच्छी हो, जैसे कि अदरक, लहसुन। इन दोनों में वो गुण होते हैं जो आपके फेफड़ों की सफाई करते हैं और आपको कफ की समस्या नहीं होती। इसके अलावा विटामिन सी वाली चीजें जैसे कि नींबू, संतरा, टमाटर, कीवी, ये सब आपके लंग्स के लिए सबसे ज्यादा सही है और ये आपको इस वेरिएंट से बचाने में काफी हद तक मददगार भी साबित होंगे। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद से देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर मुहिम चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी लहर से पहले देश के ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।